हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 के बोर्ड एग्जाम में यदि आप ग्रह विज्ञान विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल पेपर है और इस पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पेपर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही जो मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर भी यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी प्रश्नों का उत्तर है, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और वादा करता हूं कि जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा, आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है, समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। अब यहां पर आप लोग ध्यान दें, कुछ नोट के अंतर्गत है, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको यानी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए निर्देश आप पढ़ लें क्योंकि निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों को करना होगा। दूसरा है, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ के अंतर्गत 1 नंबर के कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में, किसमें? OMR सीट में भरना होगा। यदि आपने सही उत्तर भर दिया, सही तरीके से OMR सीट भर दी, तो पूरे 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात क्या करना है, उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने OMR सीट में जो गोला काला कर दिया सो काला कर दिया, काला करने के बाद यानी गोला काला करने के बाद आप ना तो उसे इस तरह से काट सकते हैं, ना इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला है निर्देश, प्रश्न के अंक उनके यानी उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। खंड बा 50 अंकों का है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको लिखकर यहां पर बताऊंगा। यहां पर जो मॉडल पेपर है यह, इसके प्रश्नों का उत्तर भी लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में जो सभी प्रश्न हैं उनका उत्तर एक साथ ही आपको करना है बोर्ड एग्जाम में। प्रारंभ जो कर रहे हैं आप, जब पेपर को करना प्रारंभ करें, हल करना प्रारंभ करें, तो यहाँ पर है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट ए यानी खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जरूर रट लेना, मैं वादा करता हूँ 100% की गारंटी मेरी है, यहाँ से 2025 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर यानी OMR सीट में गोलों को काला करें, यानी गोले को काला करना है, जो भी विकल्प सही होगा उस गोले को काला करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें,
आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट किसे माना जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है घाटे का बजट, दूसरा संतुलित बजट, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा विकल्प है कुछ इस प्रकार से बचत का बजट या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श बजट किसे माना जाता है? बचत का बजट। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? तो इनमें से सबसे सुरक्षित चेक किसे माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रॉस या रेखांकित चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। किसको? क्रॉस या रेखांकित चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 1 ग्राम में होते हैं तो 1 ग्राम में क्या होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। कितने? 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। यहाँ पर ग वाला विकल्प सही होगा। OMR शीट में ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे, ए बी सी और डी, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पेपर में भी विकल्प इसी तरह के दिए रहेंगे, ए बी सी और डी। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो आ चुकी है चैनल पर, सामाजिक विज्ञान विषय, चित्रकला विषय और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा गृह विज्ञान विषय का भी एक और मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है पूरे उत्तर के साथ, आप उसको भी जाकर देख लेना। तो चलिए 1 ग्राम में होते हैं कितने ग्राम? 10 डेसीग्राम होते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि वर्षा का जल होता है, तो वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध जल होता है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाला जाता है, जिसे लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। पोटेशियम परमैग्नेट कुएं में डाला जाता है किस लिए? उसके जल को यानी उसके पानी को शुद्ध करने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से हो जाता है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल पीने से या अशुद्ध भोजन करने से, दूषित भोजन खाने से हो जाता है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी खा वाला विकल्प, हैजा रोग अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन के सेवन से होता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन परत के ह्रास, यहाँ पर ह्रास होगा, के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ क्या है? ओजोन परत के ह्रास के लिए सबसे जरूरी और सबसे मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा गावाला विकल्प, CFC। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मेरे प्यारे बच्चों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, डेंगू रोग फैलता है, तो डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? डेंगू रोग मच्छर के काटने से फैलता है, यहाँ पर ग वाला यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डेंगू रोग फैलता है मच्छर के काटने से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, मिल्टन क्लाथ होता है, तो मिल्टन क्लाथ होता है किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? मिल्टन क्लॉथ होता है सूती कपड़ा, यहाँ पर का वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग करते हैं सफेद सूती वस्त्रों पर, यहाँ पर घा विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों की मजबूती होती है किस तत्व के द्वारा?
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या प्रोटीन के द्वारा मांसपेशियों की मजबूती होती है, या सोडियम, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर लौह तत्व के द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? उबालना, तलना, भूनना, या भाप द्वारा पकाना? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, भाप के द्वारा जब भोजन पकाया जाता है तो इससे क्या होता है, उसके पौष्टिक तत्व जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। स्कर्वी का रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, घा वाला विकल्प सही होगा। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, आंवला में। किसमें, आंवला में पाया जाता है। और संतरे में भी विटामिन सी की प्राप्ति होती है, तथा जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 24 होती हैं, 12 होती हैं, 14 होती हैं, या फिर 8 होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मानव के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग वाला विकल्प, 14 होती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर। अस्थिभंग के लक्षण या पहचान क्या है? अस्थिभंग क्या अर्थ होता है, हड्डी का टूटना, हड्डी का टूटना। हड्डी जब टूट जाती है तो इसका लक्षण क्या है या पहचान क्या है? तो जब हड्डी टूट जाएगी, मान लीजिए हाथ टूट गया या पैर टूट गया या कहीं की हड्डी टूट गई, तो क्या होगा, सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है। अस्थिभंग के लक्षण या पहचान क्या है, दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, और वह अंग, मान लीजिए हाथ टूटा है किसी भी व्यक्ति का, तो वह हाथ कार्य नहीं करेगा। उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है किस गैस के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गा वाला ऑप्शन, ऑक्सीजन गैस के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण होता है, रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो रक्त शुद्धिकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, रक्त का शुद्धिकरण होता है किस अंग में? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। यहाँ पर का वाला विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? जब ठंडी सेंक दिया जाता है किसी भी रोगी को, जब तेज ज्वर आ जाता है यानी बुखार आ जाता है, तो उसे बर्फ की टोपी पहनाई जाती है। किस लिए? क्योंकि ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। खंड बा यहाँ पर पार्ट बी है, यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का, 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 21 है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा यहां पर, पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है, जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में
यहाँ पर अवधि होगा। निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पारिवारिक बजट कहते हैं। एक प्रलेख होता है, एक प्रपत्र होता है, जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में, मान लीजिए एक महीने का समय है, तो एक महीने में परिवार में कितना जो है, कितनी परिवार की आय हुई है यानी आमदनी हुई है और कितना खर्च हुआ है, व्यय का अर्थ है कितना खर्च हुआ है, उसी को दर्शाया जाता है किसमें, पारिवारिक बजट के अंतर्गत यानी जो प्रलेख होता है उसमें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न का उत्तर आपके सीधा दिमाग में बैठेगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बचत के चार उद्देश्य या लाभ क्या हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर होगा, भविष्य को सुरक्षित बनाना। बचत का पहला लाभ क्या है, भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है बचत करने के द्वारा, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होता है, बचत करने से हमारी भावी यानी आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करना, यदि हमने धन को बचाया है और हमारे पास अधिक धन है तो समाज में हमें अधिक इज्जत भी मिलेगी, हमारी प्रतिष्ठा मान मर्यादा भी रहेगी, और राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी हम योगदान कर सकते हैं किसके द्वारा, यदि हम बचत करते हैं तो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचत के चार उद्देश्य या लाभ मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमें जल किन माध्यमों से प्राप्त होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सा उत्तर है, जल के प्राप्ति यानी जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं, समुद्र के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है, वर्षा के द्वारा, और नदियों, तालाब, कुएं, झीलें, झरने एवं जो सोते फूटते हैं बरसात में, उनसे भी हमें जल की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा आंसर है, और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया भी है प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भोजन के अंदर उपस्थित, यहां पर आप लोग ध्यान दें इस प्रश्न का उत्तर, भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव को उत्पन्न कर देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। भोजन बनाते समय यदि हम असावधानी बरतते हैं तो, या कोई गलती करते हैं भोजन को संरक्षित करने में, उसको सुरक्षित रखने में, तो वह क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, और ये विषाक्त भोजन हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 25 है, घर पर कपड़ा सिलाई करने के दो लाभ क्या हैं, तो इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है, घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है, तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से हमें विशेष प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमें घर पर सिलाई करने से दो लाभ होते हैं, एक तो क्या होता है, समय की बचत होती है, धन की भी बचत होती है, और कपड़े की भी बचत होती है, तथा प्रियजनों का यदि हम वस्त्र सिलते हैं यानी प्रियजनों के वस्त्रों को सिलते हैं तो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की खुशी भी हमें प्राप्त होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मोच के लक्षण लिखिए, तो इसका बिल्कुल सा आसान सा उत्तर है, मोच के लक्षण क्या हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा, मोच आने के लक्षण क्या हैं, पहला
लक्षण है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहाँ पर मोच आ जाएगी वह अंग सूज जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा भी होती है। मोच आने पर अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहाँ पर मोच आ जाएगी वह अंग कुछ कुछ नीला और काला होने लगता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अब अगला प्रश्न लघुतरी प्रश्न संख्या 27, उसके पहले निर्देश है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुतरी हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 27 है, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों या आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। पारिवारिक बजट किस लिए की जाती है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदें या प्रमुख क्या मेरे प्यारे बच्चों, या प्रमुख आवश्यकता क्या है पारिवारिक बजट करने की। पहला है आहार एवं तत्संबंधी सामग्री खरीदने के लिए पारिवारिक बजट की जाती है, इसलिए पारिवारिक बजट की आवश्यकता है। वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद को पूरा करने के लिए पारिवारिक बजट की आवश्यकता होती है। आवास संबंधी मद को पूरा करना है तो भी पारिवारिक बजट करना होगा। बच्चों की शिक्षा संबंधी मद को पूरा करने यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक होता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक होता है। अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद को पूरा करने के लिए भी पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। यातायात व्यय संबंधी मद को पूरा करना है तो पारिवारिक बजट बनाना होगा। व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद को पूरा करना है तो भी, और पारिवारिक बजट संबंधी मद पूरा करना है तो भी पारिवारिक बजट संबंधी आवश्यकता को पूरा करना यानी पारिवारिक बजट बनाना होगा। तो पारिवारिक बजट के उपयुक्त सभी मद पारिवारिक बजट को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श कुआं किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर गहरी कुओं का जल शुद्ध एवं स्वच्छ होता है। यदि गहरे कुएं को व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए तथा उसका संचित रख रखाव किया जाए तो उस कुएं को आदर्श कुआं माना जाता है। आदर्श कुएं के आवश्यक शर्तें तथा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, यहाँ पर कुआं अच्छी भूमि में खुदवाना चाहिए। कुआं कहाँ खुदवाना चाहिए, अच्छी भूमि में खुदवाना चाहिए। कुआं पक्का होना चाहिए तथा पानी, ताकि पानी निकालते समय मिट्टी कुएं में ना गिर सके। और दूसरी विशेषता क्या है यहाँ पर, यानी अगली विशेषता है, कुएं के आसपास का भाग पक्का होना चाहिए, जिससे आसपास का गंदा जल कुएं में गिरकर उसको दूषित ना कर सके। आदर्श कुएं के ऊपर छतरीनुमा छत अवश्य होनी चाहिए, जिससे धूल मिट्टी पक्षियों की बीट इत्यादि कुएं में ना गिर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल आसान सा उत्तर मैंने आपको बताया है। चलिए एक और विशेषता है कि प्रत्येक माह कुएं के पानी में लाल दवा डालकर, लाल दवा जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं, लाल दवा डालकर सफाई करनी चाहिए ताकि कुएं के जल को दूषित होने से बचाया जा सके। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया कुआं जिससे मृद जल प्राप्त होता है एक आदर्श कुआं माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 28, डेंगू के कारण तथा लक्षण लिखिए। ये भी प्रश्न 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू ज्वर जो कि काफ़ी मात्रा में इस वक्त यानी बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो डेंगू ज्वर है क्या, किस कारण होता है, लक्षण क्या हैं और इसके रोकथाम के उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू ज्वर क्या है? यह एक विषाणु यानी आरएनए विषाणु जनित रोग है। यह रोग मादा एडीस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। जब मादा मच्छर रोगी का रक्तपान करती है तो यह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाती है। किसी रोगी को डेंगू है तो यदि उसे इस मादा मच्छर ने काटा, किसने? एडिस एजिप्टी मादा मच्छर ने काटा, तो वह क्या होगी? 9 से 12 दिनों के अंदर स्वयं उसको डेंगू हो जाएगा, यानी स्वयं वह संक्रमित हो जाएगी। और यह संक्रमित मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करती है यानी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो लार के साथ विषाणु भी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और इस तरह से डेंगू ज्वर यानी डेंगू बुखार एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। ये है इसका जो है सिलसिला। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लक्षण क्या हैं? कैसे आप पता करेंगे कि डेंगू ज्वर है किसी भी व्यक्ति को या किसी स्त्री को या किसी लड़के को या लड़की को? तो पहला लक्षण है डेंगू ज्वर में तीव्र ज्वर के साथ अस्थियों में, अस्थियों के जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होती है। इस कारण इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। जब किसी को डेंगू ज्वर होगा यानी डेंगू बुखार होगा तो उसके साथ ही साथ क्या होगा? अस्थियों में यानी हड्डियां दर्द करेंगी और हड्डियों के जोड़ों में भी अत्यधिक दर्द होगा यानी पीड़ा होगी। इस कारण इस ज्वर को और किस नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। एक एक चीज को समझते चलेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आप सभी को, क्योंकि रटना ना पड़े तो और भी अच्छी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लक्षण क्या है? इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण रक्तस्राव हो जाने के कारण रक्तस्राव ज्वर भी हो सकता है और इसके फलस्वरूप रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। यदि रक्तस्राव होने लगा, बहने लगा तो क्या होगा? रक्तस्राव ज्वर भी हो सकता है और इसके फलस्वरूप क्या होगा? रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है यानी रुक नहीं पाएगा। चलिए अगला लक्षण है, शरीर और चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं जब डेंगू बुखार आ जाता है। और रोकथाम के उपाय क्या हैं? इस रोग के वाहक मच्छर स्वच्छ जल में पनपते हैं, जैसे कूलर में, पानी के टैंक में या जहां पानी एकत्र हो जाए वहां पर। अतः मच्छरों से बचाव के लिए सप्ताह में एक बार इन सभी स्थानों की सफाई कर देनी चाहिए जिससे इनके प्रजनन स्थल नष्ट हो जाएं। वयस्क मच्छरों को नष्ट करके अथवा मच्छरों से स्वयं का बचाव करके रोग से बचा जा सकता है। अब डेंगू के उपचार क्या हैं? कैसे उपचार किया जाएगा? इस रोग के लिए प्रभावी औषधि उपलब्ध नहीं है। ज्वर को उतारने के लिए पैरासीटामोल तथा प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, रोगी को पूर्ण यानी पूरी तरह से विश्राम करना चाहिए, हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह रहा है बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर के हैं ये प्रश्न, मैंने आपको बताया था ना। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? पारिवारिक बजट। अब इसका उत्तर होगा पारिवारिक, कैसे आपको लिखना है? पारिवारिक बजट वह व्यवस्थित प्रलेख होता है जिसमें किसी परिवार के एक निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का पूर्ण विवरण दिया होता है। एक निश्चित अवधि यानी कोई एक महीना या दो महीना
में होने वाले परिवार की आमदनी क्या है, परिवार ने कितना खर्च किया है, इसका एक प्रलेख होता है, उसे ही क्या कहते हैं, पारिवारिक बजट। अब बजट बनाने के लाभ क्या हैं? तो पहला लाभ है आय का उचित उपयोग हो जाएगा, जो हमारी आमदनी है उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति हमें प्राप्त होगी। व्यय पर यानी खर्च, जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर भी नियंत्रण बना रहेगा, बचत करना सीख जाएंगे, आर्थिक उन्नति भी होगी और साथ ही साथ आय व्यय में संतुलन बना रहेगा। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है, प्रेशर कुकर पाक क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपयुक्त उपकरण है। इसमें खाद्य सामग्री को भाप के दबाव को बढ़ाकर ताप द्वारा पकाया जाता है। यह बंद पतीले के आकार का होता है। इसमें भोज्य पदार्थ शीघ्र गल जाते हैं तथा पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाए गए दाल, चावल, सब्जी आदि की स्वाभाविक सुगंध एवं स्वाद बने रहते हैं। इसके प्रयोग से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है तथा ईंधन भी कम लगता है, इसमें धन की भी बचत होती है। तो ये है प्रेशर कुकर और इसकी उपयोगिता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके पहले मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न छूटा जा रहा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ है? तो ये प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर देखें इसका उत्तर। यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर्दे गृह सज्जा के साधन होने के साथ साथ उपयोगी भी हैं। पर्दे जहाँ एक ओर गृह सज्जा में योगदान देते हैं, वहीं इन्हें विभिन्न रूपों में उपयोगी एवं लाभदायक भी माना जाता है। पर्दों की प्रमुख उपयोगिता यह है कि ये घर के सदस्यों को एकांत प्रदान करते हैं। घर के विभिन्न भागों में लगे हुए पर्दे अंदर रहने वाले सदस्यों को शांत एवं एकांत वातावरण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ पर्दे बाहरी प्रकाश, वायु तथा ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। पर्दों की एक अन्य उपयोगिता यह है कि उनके द्वारा खिड़की व दरवाजों के दोषों को छिपाया जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर पढ़ा था पहले ही कि हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हड्डी की टूट यानी जब हड्डी टूटती है तो उसे क्या कहते हैं, हड्डी की टूट यानी हड्डी टूट जाना, और मोच लगती है तो उसे उसमें हड्डी नहीं टूटती। तो इसमें अंतर क्या है, चलिए यहां पर आप लोग ध्यान दें। हड्डी की टूट तथा मोच दोनों का संबंध अस्थियों से ही है यानी हड्डियों से ही है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। अब अंतर क्या है, पहला अंतर, हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं। जब हड्डी में दरार पड़ जाती है या फिर वह टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हड्डी की टूट कहते हैं। जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। हड्डी टूटती नहीं है बल्कि खिंचाव हो जाता है मांसपेशियों में और स्नायुओं में, इसे क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। दूसरा अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हड्डी की टूट हड्डी में होती है, हड्डी कहाँ टूटती है, हड्डी ही तो टूटती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि यहां जहां पर अस्थियां जुड़ी हुई होती हैं, अजोड़ होते हैं, पर विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर ही होती है। यह हड्डी, अगला अंतर क्या है, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। हड्डी कब टूटती है, या तो हड्डी पर दबाव पड़ गया या तो चोट लग गई किसी भी कारण से।
जबकि यह संधि पर खिंचाव पड़ने या ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। कभी कभी क्या होता है, हम पैदल जा रहे हों और अचानक पैर गड्ढे में पड़ गया या ऊंचे नीचे पड़ गया तो क्या आ जाती है, मोच आ जाती है और कभी कभी तो हड्डी भी टूट जाती है। चलिए यहाँ पर अगला अंतर क्या है, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है, सिर्फ सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है। अगला अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है, यह बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है। यदि बाहर चोट लगी है तो रुधिर यानी खून बहने लगेगा लेकिन रंग नहीं बदलेगा वहाँ का, जबकि जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः क्या देखा गया है कि रुधिर बाहर नहीं निकलता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, हड्डी की टूट, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया। प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बताया ना कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन एक एक प्रश्न का उत्तर है इस वीडियो में और मेरे प्यारे बच्चों इन्हें आप तैयार कर लेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आपने यदि वीडियो अच्छे से देखा है, कंप्लीट देखा है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है। तो यह क्रिया, प्राकृतिक क्रिया जो होती है, यह क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, यानी हम कब सांस ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कभी कभी हम जान ही नहीं पाते। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या होती है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है, जब हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, समस्या या परेशानी होने लगती है, तब क्या होता है, कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जाती है ताकि हमारी प्राकृतिक श्वसन क्रिया में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। अगला अंतर क्या है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर चलाई जाती है तथा दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं प्रयास पर निर्भर करती है। और मेरे प्यारे बच्चों अगला अंतर है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वयं ही पसलियों तथा तंतुपट की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया सदैव अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है, यानी ऑक्सीजन लगाते हैं जैसे हॉस्पिटल में, वही है कृत्रिम श्वसन क्रिया, तथा दूसरे व्यक्तियों को इसमें श्रम करना होता है और उन्हीं के द्वारा यह क्रिया संपादित होती भी है। अगला अंतर क्या है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक ही विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया स्थिति के अनुसार अलग अलग विधियों से की जाने वाली क्रिया है, जैसे कि सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि तथा लाबार्ट विधि। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तापक्रम चार्ट क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है। तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है और चार्ट को देखकर, किसको, चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है और इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, प्रश्न अगला है कि मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, और इसके बाद आप देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न, निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरी हैं, प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो चलिए प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 32 है यहाँ पर, डाक द्वारा यानी डाक घर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए।
अथवा में प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना, 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला है प्रश्न, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। अथवा में प्रश्न है, वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न अगला है, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% यहां से प्रश्न आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय हिंद।